हेलो टेक्नो ऑडिटर्स, आज हम देखेंगे कि किस तरीके से डीसा को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा जा सकता है और कम से कम समय पे इस एग्जाम को क्लियर करा जाए। तो हम फॉलो करने वाले हैं टू स्टेप्स फॉर्मूला, जो कि ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है। ये जो स्ट्रेटेजी है वो थाउजेंड्स ऑफ सीए मेंबर्स ने फॉलो करी है और ये एग्जाम को क्लियर किया है और साथ में ऑल इंडिया रैंक तक लाई है। तो ये स्ट्रेटेजी पे ट्रस्ट किया जा सकता है। क्या है ये स्ट्रेटेजी, चलिए समझते हैं। तो ये टू स्टेप फॉर्मूला है। टू स्टेप फॉर्मूला में पहला है वीडियो लेक्चर और दूसरा है ऑनलाइन क्विज। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेकंड स्टेप को कवर करने वाले हैं। सेकंड स्टेप जो कि है क्वेश्चंस को किस तरीके से प्रैक्टिस करें, हाउ टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो इस पे जो ये जो कंप्लीट स्ट्रेटेजी रहने वाली है वो इस तरीके से यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे आपको मॉड्यूल्स दिख रहे होंगे, तो ये यहाँ पे मॉड्यूल्स है, वेटेज उनका दिया हुआ है, कितना कितना वेटेज, कौन से मॉड्यूल से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मॉड्यूल जीरो जो कि ई लर्निंग का है, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए दिया गया है, तो इसके वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे 9 आवर्स के, बट उसकी क्वेश्चंस एग्जाम में उतने नहीं पूछे जाते क्योंकि उसका वेटेज नहीं है। तो यहाँ पे हमें इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 6, तो उसके वेटेज यहाँ पे दिए हुए 18%, 16%, 18%, 18%, 22% and 8%। तो ये इस तरीके से वेटेज हमें फॉलो करना है और उसके हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। तो अब ये तो हमें समझ में आ गया। तो अब उसी के हिसाब से हमने क्या किया है, तैयार किया है टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक एक अलग तैयार किया है हमने और एक मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन बैंक अलग तैयार किया है। तो ये दो वैरायटी है क्वेश्चन बैंक की, आप इसमें से कोई से भी वैरायटी को फॉलो कर सकते हैं, पर अभी प्रिफरेबल ये रहेगा कि आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक को फॉलो करें और फिर उसके बाद अगर आपका वो कंप्लीट हो जाता है तो आप मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन बैंक की तरफ बढ़ें। अब आखिर ये है क्या कंफ्यूजन, टॉपिक वाइज मॉड्यूल वाइज आखिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कैसे करना है? तो ये पूरे कॉन्सेप्ट्स, ये पूरे डाउट को क्लियर करने के लिए हम चलते हैं प्रो खाता की वेबसाइट और वहां लाइव देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया जाएगा। चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले आपको विजिट करना है prokhata.com। जैसे ही आप prokhata.com विजिट करेंगे आपको इस तरीके से यहाँ पे स्क्रीन दिखेगी जिसमें कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रैंकर्स भी हैं हमारे, उनके रिव्यूज भी आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई करी। अब हम चलते हैं सबसे, अगर जैसे ही आपने ये कोर्स परचेज किया होगा तो आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिल गया होगा। अब लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप इस वेबसाइट के डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। तो डैशबोर्ड में जाने के लिए यहाँ पे आपको साइड मेनू दिखेगा इस तरीके से। साइड मेनू पे यहाँ पे आपको सेकंड टैब है डैशबोर्ड का, तो आप जैसे ही डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे डैशबोर्ड जो सॉफ्टवेयर है जिसमें कि सारे क्विज रन होते हैं उस पे। तो आपको सबसे पहले तो लॉगिन कर लेना है, तो आप जो आईडी पासवर्ड आपने सेट किया होगा आप उससे लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरीके का एक डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। अब ये अगर डैशबोर्ड अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे ऊपर में रिफ्रेश करने का ऑप्शन है, ड्रैग टू रिफ्रेश, इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको पिक करना है और यहाँ पे लाके ड्रॉप करना है। जैसे ही आप माउस से पिक करके ड्रॉप करेंगे तो ये रिफ्रेश हो जाएगा और जैसे ही ये रिफ्रेश होता है तो ये आपको इस तरीके से क्विज के ऑप्शन देखने चालू देंगे। अब आखिर ये इतने सारे क्विज के ऑप्शन है क्या है इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे नाम से क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ईसा 3.0 मॉड्यूल 1 टॉपिक वाइज। तो ये कौन सा क्विज है, टॉपिक वाइज क्विज। टॉपिक वाइज का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा मॉड्यूल्स टोटल 6 मॉड्यूल्स है। अब पहला जो मॉड्यूल है मॉड्यूल 1 उसके अंदर 6 चैप्टर्स और फिर उस चैप्टर्स के अंदर हर एक चैप्टर के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स होंगे, तो वो टॉपिक्स यहाँ पे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पे बाइफरकेट करेंगे आपको मिल जाएंगे। तो इतना ग्रेनुलर लेवल पे हम जाके इस क्वेश्चन बैंक को बिल्ड करें कि अगर आप ये एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका 100% कोर्स पूरा कवर हो जाएगा और उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। हमारा फोकस ये रहना चाहिए कि हम इस एग्जाम पर ऑल इंडिया रैंक लाके दिखाएं, तो इसीलिए हम उस लेवल पे जाकर यहाँ पे तैयारी करवाते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूरे मिल जाएंगे और साथ में आपको यहाँ पे एक मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा। अब मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन बैंक क्या हो गया, जिसमें कि कंप्लीट मॉड्यूल 1 से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे वो एक साथ आपको देखने को मिल जाएंगे, मॉड्यूल 2 से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी होंगे एक साथ देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पे उससे ग्रेनुलर लेवल पे जाने का ऑप्शन नहीं है कि आप चैप्टर वाइज कर सके या टॉपिक वाइज कर सके। अगर आपको वैसा जाना है तो आपको ये इन तरीके की जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन दी हुई है मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 6 तक वो फॉलो करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं, सबसे पहले अगर हमें चालू करना है चैप्टर, मॉड्यूल 2 हम पढ़ रहे हैं, वीडियो हमने देखा मॉड्यूल 2 का, मॉड्यूल 2 के एक चैप्टर 1 का वीडियो हमने कंप्लीट किया, अब हम चाहते हैं उस चैप्टर 1 के क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। तो आप सीधा मॉड्यूल 2 पे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए ये कोर्सेस है, कोर्सेस के अंदर एनरोल कोर्सेस है, उसके अंदर ये सारी कोर्सेस आपको दिखेंगे। अब यहाँ पे आपको स्टार्ट कोर्स का बटन दिखेगा, तो जो भी आपको कोर्स चालू करना है तो वहाँ पे आप स्टार्ट कोर्स पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये मॉड्यूल 2 को मैंने स्टार्ट कोर्स करके चालू किया। अब यहाँ पे फिर से एक बार स्टार्ट कोर्स का बटन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको फिर से एक बार स्टार्ट कोर्स करना है, 2 बार यहाँ पे स्टार्ट कोर्स करना है तब ये क्विज चालू होता है। अब ये इस तरीके से आपको क्विज का विंडो दिखेगा। अब इस क्विज के विंडो को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे काम करता है। देखिए लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स के नाम दिखेंगे और जो कि बाइफरकेटेड है चैप्टर वाइज। तो देखिए यहाँ पे एक लेफ्ट में ड्रॉप डाउन है, ये ड्रॉप डाउन पे देखिए अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स दिखेंगे। तो टोटल कितने 5 चैप्टर्स है मॉड्यूल 2 के अंदर।
अब हम चाहते हैं कि हमने मान लो चैप्टर 5 अभी कंप्लीट किया है वीडियो, हम चाहते हैं कि चैप्टर 5 का जो क्वेश्चन बैंक है उसको हमें फॉलो करना है, तो हम सीधा चैप्टर 5 में भी जाकर डायरेक्टली ड्रॉप डाउन को क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे चैप्टर 5 के क्वेश्चंस आपको टॉपिक्स आपको दिखने लग जाएंगे। तो लेफ्ट साइड में ये पूरे आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं। अब आप चाहते हैं कोई भी आप रेंडम टॉपिक पिक करके आप उसका क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना चाहते हैं आरपीओ से रिलेटेड, RPO एक टर्म होता है जिसके आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। अभी अभी आपने उसका वीडियो देखे हैं और उसका कंसेप्ट समझे हैं, तो आप चाहते हैं कि उसको आप टेस्ट कर लें, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं उस क्वेश्चन बैंक पे। अब देखिए यहाँ पे आपको उसका एक शॉर्ट नोट मिल जाएगा। सबसे पहले जैसे ही आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना चालू करने जाएंगे उसके पहले आपको नोट्स देखने को मिल जाएगा, तो आप सबसे पहले उस नोट्स को पढ़ लीजिए कि RPO का मतलब रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव, RPO इज एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्टेबल डाटा लॉस, कितना डाटा लॉस हो रहा है उसको ये नापने का तरीका है, उसके उसका रेशियो एक ही कैलकुलेट करके देता है। इन केस ऑफ क्रिटिकल सिस्टम जनरली RTO इज 0 नियर टू 0, इस तरीके से जितने भी पॉइंटर्स रहेंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये हो गया सबसे पहले एक आपने शॉर्ट नोट्स कोई भी क्विज चालू करने से पहले उसके बारे में पढ़ लिया। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टार्ट क्विज का बटन है राइट साइड पे, राइट साइड पे देखिए यहाँ पे टोटल 16 क्वेश्चंस है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है और यहाँ पे इससे इस क्विज को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट क्विज का बटन दिया हुआ है। तो मैं जैसे ही स्टार्ट क्विज का बटन मैंने प्रेस किया यहाँ पे देखिए सेंटर पे आपको सारे क्वेश्चंस देखने लग जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिख रहा है और आप इस क्वेश्चन का आंसर एक रैंडम बेसिस पे टिक कर लेता हूँ, मैंने मान लो बी आंसर सिलेक्ट किया, तो देखिए यहाँ पे राइट टिक हो गया जो आप टिक करते जा रहे हैं। और वो यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहते हैं कि क्या ये आंसर सही है या गलत है, आप इंडिविजुअल क्वेश्चन को ही चेक करना चाहते हैं, एक तो वो तरीका हो गया कि आप हर क्वेश्चन पे चेक करते हुए चले, या तो एक तरीका है कि आप सारे क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लें इस तरीके से और उसके बाद आप सीधा सबमिट करें और फिर देखें कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत है कौन कौन से सही है। तो एक ओवरऑल इवेल्युएशन वाला तरीका हो गया और एक हो गया सिंगल क्वेश्चन का इवेल्युएशन का तरीका। तो अगर हम सिंगल क्वेश्चन का आंसर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे चेक आंसर का स्विच है, जैसे ही आप चेक आंसर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे उसका आंसर आ जाएगा, नहीं ये हमने जो टिक किया था वो गलत है, आंसर इसका सी है कंटिन्यूस डाटा बैकअप, और ये उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा कि आखिर वो आंसर क्यों सही है और या क्यों गलत है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को इंडिविजुअल लेवल पर चेक कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरीके से पूरा सॉल्व कर लिए आपने और सारे क्वेश्चन और फिर चाहते हैं कि हम अपना टोटल इवेल्युएशन देखें कि कितने आंसर सही है कितने आंसर गलत है। अभी देखिए मैं एक रेंडम इस तरीके से टिक कर रहा हूँ, मैं अभी क्वेश्चंस को पढ़ भी नहीं रहा हूँ और मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसमें से कितने हमने सही सॉल्व करे और कितने हमने गलत सॉल्व करे, तो देखते हैं चलिए अब इसमें से कितने हमने सही सॉल्व करे और कितने गलत सॉल्व करे। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे सबमिट। ग्रेट, देखिए 7 क्वेश्चन हमने तुक्के तुक्के में सही सॉल्व कर लिए और यहाँ पे देखें तो हमारे 7 यहाँ पे कितने क्वेश्चन हमने सही सॉल्व करे हैं वो यहाँ पे ग्रीन कलर से आपको देखने को मिल जाएंगे और जो हमारे गलत सॉल्व हुए हैं वो यहाँ पे आपको रेड कलर से देखने को मिल जाएंगे और उसकी सब के एक्सप्लेनेशन आपको देख पढ़ सकते हैं। आप इंडिविजुअल क्वेश्चन पे जाकर उसके एक्सप्लेनेशन को रीड कर सकते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन हमने क्यों गलत सॉल्व किया। अब जैसे ही आप ये पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे पूरे क्वेश्चन को, आपने देख लिया ये कि क्या क्या मेरी गलतियां हुई है, आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं आपकी सारी गलतियां आपको देखने को मिल जाएगी। और जब आप ये सब चीजें देख लें और उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं ये फिर से रीटेक करना चाहता हूँ ये क्विज और मैं अपने स्कोर को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पे रीटेक क्विज का बटन दिखेगा राइट साइड पे। रीटेक क्विज पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फिर से क्विज आपका रिफ्रेश हो जाएगा और यहाँ पे आप फिर से वो नोट्स वाले सेक्शन पे पहुंच जाएंगे। तो अगर आपको नोट्स एक्सेस करने हैं तो जैसे ही आप क्विज सबमिट करेंगे तो फिर से आप नोट्स एक्सेस कर सकते हैं और एडवाइसेबल तो ये है कि सबसे पहले आप नोट्स को पढ़ें और उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना चालू करें, इस तरीके से आपका एक रिवीजन हो जाएगा। वीडियो देखिए सबसे पहले, तो वीडियो देखने के बाद आप यहाँ पे नोट्स पढ़ें और फिर नोट्स पढ़ने के बाद आप क्विज को स्टार्ट करें, तो ये पूरा एक पैटर्न फॉलो करना है आपको और इस तरीके से आपका एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक आपका डेवलप होते जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा जब आप 100% कोर्स को कवर कर लेंगे और ये बहुत ही फास्ट वे पे आपका कवर होएगा क्योंकि टॉपिक वाइज जब जाएंगे आप तो आपको एक तरीके के क्वेश्चंस जब एक साथ देखने को मिलेंगे तो आपकी स्पीड जो है वो डबल हो जाएगी। उसके बाद आपको ये भी लेवल पता चलेगा कि इस टॉपिक को किस एक्सटेंट पर ले जाकर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो वो भी आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि उसका एक्सटेंट क्या हो सकता है, उस टॉपिक का कितना हार्ड वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो आपको एक बार क्लियर हो गया तो आप उस पर मास्टर कर लेंगे उस टॉपिक पे। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट ये रन करना है। अगर आप चाहते हैं आप रेंडम कोई बाद में कोई टॉपिक को सर्च करके उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऊपर में सर्च बटन है, यहाँ पे सर्च कोर्स एलिमेंट्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे मान लो मैं बैकअप से रिलेटेड कोई क्विज सॉल्व करना चाहता हूँ, तो देखिए बैकअप से रिलेटेड यहाँ पे दो क्विज आ गए हैं, एक है टाइप्स ऑफ बैकअप, तो देखिए टाइप्स ऑफ बैकअप जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे आ गया टाइप्स ऑफ बैकअप, उसका शॉर्ट नोट आपको दिख जाएगा, फुल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप, मिरर बैकअप, इस तरीके से आपको एक शॉर्ट नोट आपको देखने को मिल गया और इसके बाद आप यहाँ पे क्विज को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपको इस तरीके से क्विज मिल जाएंगे और यहाँ पे फिर आप इस क्विज को आंसर कर सकते हैं और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं वो सही है कि गलत है, ठीक है। तो अब ये मैं सर्च को अब हटाता हूँ, तो यहाँ से मैं कैंसिल कर सकता हूँ सर्च को और फिर वापस यहाँ पे ग्रेनुलर लेवल पे अगर मैं जाना चाहता हूँ चैप्टर 1 से चालू करना चाहता हूँ तो चैप्टर 1 से भी मैं चालू कर सकता हूँ।
तो इस तरीके से हम फॉलो कर सकते हैं। अगर हमें ये लेफ्ट मेनू डिस्टर्ब कर रहा है क्विज सॉल्व करते वक्त, तो यहाँ पे हाइड पैनल का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप हाइड पैनल पे क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन पे आपको ये दिखने चालू हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि ये जो क्विज है मोबाइल, जो आपका रेजोल्यूशन है वो कम रहता है, तो कई बार ये, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसका रेजोल्यूशन अगर मैं बढ़ाऊँ तो इस तरीके से आपको कई बार दिखने लगता है, जैसे कि हम मोबाइल पर एक्सेस करेंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा, तो वो थोड़ा सा तकलीफ जाती है इस तरीके से एक्सेस करने में। तो आप इसमें ये एक बटन दिया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो ये क्विज फिर आपको नीचे दिखने लगेगा ये बटन। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपका जो स्क्रीन साइज है वो 100% पे रहे, या तो फिर आप उससे भी कम कर सकते हैं अगर वो आपको ठीक करना है, जैसे ये रीसेट पे क्लिक करेंगे या फिर और रिड्यूस करेंगे स्क्रीन साइज को, तो ये नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाएगा, जिसमें कि सेंटर पे आपको ये इस तरीके से क्वेश्चंस दिखेंगे और राइट साइड पे ये क्वेश्चन का मेनू दिखेगा। तो ये तरीका आप फॉलो कर सकते हैं। अब हमने देख लिया कि ये टॉपिक वाइज क्विज किस तरीके से सॉल्व करना है, उसमें कैसे सबमिट करना है, रीटेक करना है, सारा चीज हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं इससे थोड़ा और एडवांस लेवल पे, जो कि ये रहेगा कि अगर आपने एक बार ये पूरे टॉपिक वाइज क्विज कंप्लीट कर लिया, वैसे तो ये टॉपिक वाइज क्विज मोर देन सफिशियंट है इस एग्जाम के लिए, पर अगर आप और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मूव कर सकते हैं मॉड्यूल वाइज क्विज पे। तो अगर हम देखें कि टॉपिक वाइज क्विज अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितने क्विज सॉल्व हो जाते हैं, तो देखिए टॉपिक वाइज जब हम क्विज सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 150 टॉपिक्स हैं चैप्टर वन में, मॉड्यूल वन में, फिर 152, 120, 48, 187, 43, इस तरीके से 700 टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे 700 टॉपिक्स पे। जैसे बैकअप एक टॉपिक हो गया उसके अंदर 20 क्वेश्चंस हो गए, तो वैसे ही यहाँ पे अगर हम देखें तो 700 टॉपिक्स हो गए और उसके अंदर 2900 क्वेश्चंस हो गए। आप घबराइए मत इतना बड़ा अमाउंट देखकर, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करने में आपको ज्यादा टाइम लगने वाला है नहीं, आपकी 100% यहाँ पे प्रिपरेशन जो है वो अच्छे तरीके से होने वाली है, इसीलिए आप ये टेस्टिंग तरीके पे फॉलो करिए, इस पर घबराइए मत, आराम से आप इसको कम से कम समय पे कवर अप कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा आपको अगर हम देखें तो जो आवर्स लगने वाले हैं वो है 40 आवर्स। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया कि 40 आवर्स आपको वीडियो लेक्चर्स देखने में लगेंगे और 40 आवर्स आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने में लगेंगे, टोटल 80 आवर्स में ये पूरा कंप्लीट आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं मॉड्यूल वाइज में। अब देखिए मॉड्यूल वाइज के अंदर आपको दो लेवल होते हैं, एक बेसिक लेवल और एक एडवांस लेवल। हम डायरेक्टली हमारे प्रो खाता वेबसाइट पे चलते हैं, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं प्रो खाता वेबसाइट पे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन बैंक। तो आप यहाँ पे स्टार्ट कोर्स पर क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ पे आप स्टार्ट कोर्स पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन बैंक देखना चालू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, ड्रॉप डाउन को अगर आप ये क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे दो दो टाइप के क्विज दिए हुए हैं, सब मॉड्यूल वन और एक जो एक में लिखा हुआ है मॉड्यूल वन और एक में लिखा हुआ है मॉड्यूल वन MTP। तो जो मॉड्यूल वन है वो हो गया बेसिक क्विज, ये जो हमने देखा था अभी, ये जो हो गया बेसिक लेवल, और यहाँ पे जो MTP लिखा है मॉड्यूल वन MTP, ये हो गया आपका एडवांस लेवल। अब ये बेसिक्स वाले लेवल नाम से क्लियर हो रहा है, इसके थोड़े क्वेश्चंस इजी लेवल के होंगे। ईटी एग्जाम का अगर आप दे रहे हैं तो मॉड्यूल वन के क्वेश्चंस भी अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो सफिशिएंट है, और अगर ईटी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो यहाँ पे आप MTP लेवल पर, एडवांस लेवल पर जाके इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आप मॉड्यूल वन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सिंपली आपको मॉड्यूल वन पे क्लिक करना है, और मॉड्यूल वन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे स्टार्ट क्विज पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप स्टार्ट क्विज पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे अभी आपको क्वेश्चंस जो आएंगे वो रैंडम आएंगे, यहाँ पे कोई टॉपिक का बाइफरकेशन नहीं मिलेगा आपको, उस मॉड्यूल से रिलेटेड बस रहेंगे, इतना तो कम से कम आपको बाइफरकेशन मिलेगा कि वो मॉड्यूल वाइज है, बट मॉड्यूल्स के अलावा आपको चैप्टर और टॉपिक्स पे जाने को नहीं मिलेगा, वो उसके लिए सेपरेट क्विज है। तो यहाँ पे आप रैंडम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके लिए पहले आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना जरूरी है, जो कि है पूरा कंप्लीट लेक्चर्स आपको कंप्लीट करना है उस मॉड्यूल के, और साथ में कुछ जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट करने हैं, उसके बाद ही आप यहाँ पर आइए जहाँ पे मिक्स क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये जो तरीका है, अभी तक होता क्या था कि यूजुअली लोग रैंडम कोई क्वेश्चन बैंक फॉलो करते थे जिसमें कि रैंडम क्वेश्चंस दिए रहते थे, ना कोई बाइफर्केशन रहता था, ना ही कोई प्रोसीजर रहता था, ना कोई कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाए और हम किस तरीके से फॉलो करें इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। बट हमने इससे रिलेटेड जितना कुछ हो सकता था वो सारे मटेरियल को कलेक्ट करने की कोशिश करी है, और यहाँ पे हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो श्योर शॉर्ट सक्सेस मिल सकता है। तो ये था हमारे पूरा कंप्लीट ओवरव्यू कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने हैं। थैंक यू सो मच।